YouTube अर्निंग कोर्स का आज हमारा यहाँ पे तीसरा वीडियो आ चुका है। जी मेरे भाई, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने लैपटॉप को, अपने पर्सनल कंप्यूटर यानी कि पीसी कंप्यूटर को यूज़ करते हुए कैसे YouTube पे वीडियो को अपलोड कर सकते हो, यानी कि YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड करने का जो सही तरीका है, जो प्रो यूट्यूबर्स यूज़ करते हैं, वही चीज़ें आपका भाई आपको बताएगा इस वीडियो में। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करना, चलो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, चैनल पर पहली दफ़ा आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको यूट्यूब का कोर्स मिल सके। इसके अलावा यार मैं आपको बता दूँ, सब्सक्राइब के बटन पर उंगली मारो या पंजा, मुझे नहीं पता, चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखो यार, आपने क्या करना है, पहली वीडियो कैसे अपलोड करनी है, इसका सही तरीका क्या है, प्रोफेशनल यूट्यूबर्स कैसे अपलोड करते हैं। यूट्यूब पे आ जाओ, चाहे जहां मर्जी यार अपने यूट्यूब चैनल पे आ जाओ या मेन स्क्रीन पे आ जाओ, के यूट्यूब की जो होम स्क्रीन होती है वहां पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे ये देखो यार, आपको यहाँ पे क्रिएट का बटन देखने को मिला, ठीक है, ये जो वीडियो टाइप बटन बना हुआ है, ठीक है, इस पे प्रेस कर दो। उसके बाद आपको ये बटन देखने को मिला अपलोड वीडियो, ठीक है, अपलोड वीडियो यहाँ पे प्रेस कर दो। ये मेरा नया चैनल है जो मैंने आपको बताया था, हो सके तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फनी चैनल है तो यार भाई को सपोर्ट करना, नया चैनल है तो नीचे इसका लिंक मिल जाएगा, जाके सभी सब्सक्राइब कर देना फनी वीडियोस के लिए। तो यहाँ पे यार आप आ गए, इस तरह से आपके सामने एक डिस्प्ले आ गया। आपने क्या किया, सिलेक्ट फाइल के बटन पे प्रेस किया और यहाँ पे यार अपने लैपटॉप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप आ गए, ठीक है, उसकी मेमोरी में आ गए। यहाँ पे आपने जिस वीडियो को अपलोड करना है उस वीडियो को सिलेक्ट कर लिया, देन आपने ओपन के बटन पे प्रेस कर दिया, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद इस तरह से आपके सामने एक ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आपने टाइटल देना है। अगर आपको ज्यादा व्यूज चाहिए यार तो आपने क्या करना है, टाइटल देना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ यार, मेरा क्या काम है, मैं यहाँ पे टाइटल वगैरह, डिस्क्रिप्शन और जो टैग्स है सभी को बना के रख लेता हूँ वीडियो अपलोड करने से पहले, हो सके तो आप पहले बना लिया करो, ठीक है। ये देखो यार, ये मेरा टाइटल है, ये मैंने टाइटल बना लिया अपने वीडियो का। यहाँ पे आ गया, आके यहाँ पे मैंने इस टाइटल को कॉपी पेस्ट कर दिया। उसके बाद यार ये वाला जो मैंने यहाँ पे, ये मेरी बात सुनो, वीडियो अपलोड करने से पहले ज्यादा व्यूज लेना चाहते हो ना, तो यार ये आपका टाइटल आना, ये देखो मेरा टाइटल था यहाँ पे, मतलबी दोस्त। मैंने क्या किया, हैशटैग यहाँ पे लगा के उसके साथ ये लिख दिया मतलबी दोस्त विदाउट एनी स्पेस। उसके बाद दोस्त वर्सेस बाइक, ये देखो ये भी मैंने हैशटैग के साथ ये भी लिख दिया दोस्त वर्सेस बाइक। उसके बाद फ्लो प्रैक्टिस चैनल का नेम है जो, ये आपने लिखा करना है स्लैश के साथ। उसके बाद ये देखो यार, ये हैशटैग के साथ फ्लो प्रैक्टिस, ठीक है, यहाँ पे ये लाजमी लिखना है, ये आपकी वीडियो के सबसे ऊपर अपेयर होगा तो इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, व्यूज भी आपको इसकी वजह से ज्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आगे जितनी डिस्क्रिप्शन आपने लिखी है वो जो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक हो गया मेरे भाई। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा नीचे, ये देखो आपके पास ये थंबनेल आ गया, डिस्क्रिप्शन के नीचे थंबनेल आ गया। तो यार जो आपने थंबनेल अपनी वीडियो के लिए बनाया है आपने यहाँ पे लाके लगा देना है। थंबनेल कैसे बनाते हैं, अगर आपको थंबनेल बनाना नहीं आता नीचे कमेंट्स करना, आपके भाई इस कोर्स के अंदर थंबनेल वाली वीडियो को भी ऐड कर देगा, आपको बता देगा आप प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हो। तो यार यहाँ पे हमने इस थंबनेल को लगाया, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पे नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स पे यहाँ पे टिक कर दिया। उसके बाद ये मोर ऑप्शन आ गए, मोर ऑप्शन पे प्रेस कर दिया, थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन किया, ये टैग्स का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे लगा के यार आपने क्या करना है, अपने टैग्स यहाँ पे लगाना है, ये जो मैंने अपने टैग्स है सभी के सभी यहाँ पे रख लिए, मैंने लिख लिए इसके एंड पे, ठीक है, लास्ट पे आपने यहाँ पे कोमा लगाते जाना है। ये जो कोमा होगा ना, ये आपके टैग्स को सेपरेट करेगा, ठीक है। इन सभी टैग्स को यहाँ से कॉपी किया मैंने, यहाँ पे ला के पेस्ट कर दिया। देखो आप अलग अलग भी लिख सकते हो, लेकिन अगर कोमा लगाते हो तो आपके टैग्स यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद टैग्स भी लागे, टैग्स की वजह से आपको व्यूज मिलते हैं। अब ये टैग्स कहाँ से लेने हैं, टाइटल कहाँ से लेने हैं, डिस्क्रिप्शन कहाँ से लेनी है, ये आपके भाई आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में बताएगा, कोर्स के अंदर वो वीडियो शामिल हो जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है आपने। उसके बाद यहाँ वीडियो की लैंग्वेज आपने सेट कर दी, ठीक है, ड्रॉपडाउन बटन है यहाँ प्रेस करके वीडियो की लैंग्वेज आपने सेट कर दी, मैंने उर्दू सेट कर किया तो मैं यहाँ पे उर्दू ही रहने दूंगा। उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्डिंग डेट, आज की डेट है तो आपने इस पे आज की डेट लगा देनी है। लोकेशन यहाँ पे सेट करना चाहते हो वो भी कर लो, अगर नहीं करना चाहते तो रहने दो, मैं लोकेशन यहाँ पे सेट नहीं करता। यहाँ पे आ जाओ कैटेगरी पे, यहाँ इंटरटेनमेंट की मेरी वीडियो है तो मैं यहाँ कैटेगरी में इंटरटेनमेंट की वीडियो को सिलेक्ट करता हूँ। आपकी जो भी कैटेगरी है आप उस हिसाब से अपनी वीडियो को यहाँ पे कैटेगरी कर लो। कमेंट विजिबिलिटी यार आपको यहाँ पे देखो तीन ऑप्शन देखने को मिलती है, चौथा तो डिसेबल है, आपने नहीं करना।
यहाँ पे अलो कमेंट्स होल्ड ऑल कमेंट्स फॉर रिव्यू, आपने यहाँ या होल्ड पोटेंशियली इन अप्रोप्रिएट कमेंट्स फॉर रिव्यू, यहाँ पे इतने ऐसे रखना है क्योंकि आपको यहाँ पे वो कमेंट्स नहीं देखने को मिलेंगे जिसमें गाली गलौज होगी, तो आपने इस सेटिंग को यहाँ पे कर लेना है। तो यार ये आपकी कंप्लीट वीडियो की सेटिंग होगी, उसके बाद यहाँ वीडियो एलिमेंट है, जैसे ही आपकी ये वीडियो पूरी अपलोड होगी यहाँ पे आपको वीडियो एलिमेंट का बटन देखने को मिलेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपने कैसे वीडियो को यहाँ पे एलिमेंट लगाने हैं, ठीक है, कार्ड आपने कैसे लगाने हैं ताकि आपको ज्यादा व्यूज मिले। तो उसके लिए यार नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जिस वीडियो में मैं आपको एसईओ करना सिखाऊंगा, क्योंकि यार ये चीजें वीडियो की एसईओ में आती है, आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देगा, आपका भाई टेंशन नहीं लेनी। यहाँ आ जाओ विजिबिलिटी में, विजिबिलिटी में आके अपनी वीडियो को यहाँ पे पब्लिक कर दो, पब्लिक करने के बाद यार यहाँ पे आपने क्या करना है, पब्लिश के बटन पे प्रेस कर देना है, ठीक है। अगर पब्लिक करनी है पब्लिक कर दो, अगर बाद में पब्लिक करनी है अनलिस्ट करके पब्लिश कर दो, उसके बाद में पब्लिक कर देना। अदरवाइज अगर आप चाहते हो, आपने वीडियो अब अपलोड की है लेकिन आप चाहते हो लोगों तक जाए 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद, वीडियो को यहाँ से शेड्यूल भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ वीडियो को पब्लिक करता हूँ, तो वीडियो को पब्लिक करने के बाद पब्लिश के बटन पर प्रेस कर देता हूँ। तो ये देखो यार आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ गया वीडियो अपलोडिंग, जैसे ही आपकी वीडियो कंप्लीट अपलोड होगी आपको पता चल जाएगा यूट्यूब के ऊपर अपने आप चली जाएगी। सो यार कैसी लगी है आपको हमारी आज की वीडियो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना, इसके अलावा यार वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी से लाइक कर देना ताकि आपका भाई इस तरह की मजीद वीडियोस भी आपके लिए बनाता रहे।